इंसानियत के नाते आवाज़ उठानी चाहिए, चाहे वो अपना हो या गैर हो, हिंदू हो या मुस्लिम हो, लेकिन उसका सपोर्ट करना चाहिए अगर वो हक रास्ते पे है तो। हमारे साथ मौजूद है फेमस यूट्यूबर मोहसिन रज़ा कादरी। मोहसिन जी कई सारी होली प्लेस पर जाके व्लॉगिंग करते हैं और जो कि बहुत फेमस है यूट्यूब पे। मोहसिन भाई, ये जो 07 टीम का विवाद चल रहा है अभी फ़िलहाल, उस पर आपकी क्या राय है? असल में मैंने सुना था और काफ़ी मेल भी मुझे आ रहे थे जितने मेरे सब्सक्राइबर्स हैं कि मोहसिन भाई 07 टीम पे आप सपोर्ट कीजिए, क्योंकि मेरा कंटेंट सबसे अलग हो जाता है। तो मैंने जहाँ तक ये सुना था कि कुछ जुमले ऐसे बोले गए थे कि जिससे लोगों ने इस छोटे से जुमले को बहुत बड़ा बना दिया और बहुत ज़्यादा जो है वो इसे खींचा गया कि आज तो तुमने मार दिया तबरेज़ अंसारी बेकसूर को, लेकिन कल के दिन अगर उसकी औलाद बदला ले तो ये ना कहना वो आतंकवादी है। सबको हक है अपनी अपनी ओपिनियन रखने का, सबको हक है अपनी अपनी राय देने का। तो उन लोगों ने कुछ ऐसी बड़ी बात या कोई ऐसे बहुत बड़ा गुनाह नहीं कर दिया था जिसको इतना जो है वो खींचा जा रहा है लंबा। असल में टीम 07 जो है वो बहुत ज़्यादा फेमस, आज के जनरेशन में बहुत ज़्यादा फेमस हो रही है, बहुत तेज़ी से बढ़ रही है और लाइक सेलिब्रिटी की गिनतियों में जो है उन लोगों का नाम आता है। तो बस ये चीज़ है, जलन हसद और जलन जो जो चीज़ है कामयाबी, उन लोगों की तरक्की लोगों से देखी नहीं जा रही है। कुछ आपने इस पर एक नज़म लिखी है 07 टीम या आज के देश के माहौल के ऊपर। बंद करो ये हिंदू मुस्लिम एक है हम एक है, बंद करो ये हिंदू मुस्लिम एक है हम एक है, हिंद है अपना वतन और सबसे प्यारा देश है, बंद करो ये हिंदू मुस्लिम एक है हम एक है। और जो आज के जनरेशन में जो तबरेज़ अंसारी का जो वीडियो भी जो वायरल हो गया था, तो इस मौजू पे जो है ना एक अशार हम लोगों ने लिखे हैं इस पे। सबको हक है अपना नारा वो लगाए शौक से, सबको हक है अपना नारा वो लगाए शौक से, सबको हक है अपना नारा वो लगाए शौक से, मत करो तुम जबर देखो एक है हम एक है, मत करो तुम जबर देखो एक है हम एक है। और मतलब जबरदस्ती का जो है, जबर का मतलब जबरदस्ती, जबर का मतलब होता है जबरदस्ती, मत करो तुम जबर देखो एक है हम एक है। मिसल भाई चार की है हिंद की ये सरजमीन, मिसल भाई चार की है हिंद की ये सरजमीन, मत करो बंटवारा देखो एक है हम एक है, मत करो बंटवारा देखो एक है हम एक है। और शाहिद भाई वो चांद का जो एग्जांपल दिया था आपने, वो चीज़ बोलो। एक्चुअली इन लोगों ने जो किया है 07 टीम ने, वो एक एक्ट किया है। उन लोगों के दिल में ऐसा कुछ नहीं था कहने के लिए कि कुछ गलत कहना चाह रहे हो या किसी आतंकवाद को बढ़ावा देना चाह रहे हैं। इन लोग ये भी टिकटॉक बनाते हैं कि आ जाओ चलो तुम्हें आसमान पे ले चलूँ चाँद को औकात दिखाने, तो इसका मतलब ये नहीं है चाँद को औकात दिखा देंगे, कोई नहीं ऐसा कर सकता, उन लोगों का एक एक्ट था। और ये खलवान भाई, ये इंटरव्यू देखने के बाद बहुत से लोग ये बोलेंगे कि मोहसिन भाई 07 टीम का सपोर्ट करें, जो कि हमारा और उनका एकदम जमीन और आसमान का फर्क है। लेकिन मैं आपका कॉन्सेप्ट, मेरा कॉन्सेप्ट अलग है, उनका कॉन्सेप्ट अलग है, वो एकदम अलग ही थोड़ा रिलीजियस और वो आज के टाइम पे टिकटॉक जो है टिकटॉक पे है वो। लेकिन जब यह बात आ रही है सही गलत की, तो उस पर इंसानियत, हाँ इंसानियत के नाते हम लोग यहाँ पे आए हैं, इंसानियत के नाते आवाज़ उठानी चाहिए, चाहे वो अपना हो या गैर हो, हिंदू हो या मुस्लिम हो, लेकिन उसका सपोर्ट करना चाहिए अगर वो हक रास्ते पे है तो। चलिए मोहसिन भाई, बहुत बहुत आपका शुक्रिया #मुंबई न्यूज़ से बात करने के लिए। शुक्रिया। इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर प्रेस करें हमारी लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए।